बागपत जनपद के खेगड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े दो युवकों ने बाइक सवार दो युवकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया जबकि दूसरे को छूती हुई गोली निकल गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर फायरिंग का असली कारण क्या था। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की सत्यता सामने आएगी। फिलहाल दोनों युवक ठीक है और उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। रोविन, क्या मामला हुआ? मामला हुआ जी, हम जा गली से निकल रहे थे, पीछे से एकदम से दो लड़के आए, पीछे दो तीन लौंडे, एक नाके तुरंत पीछे गोली मारी, हमने सोचा टायर फटगा। अब जो एकदम से पीछे को लगाए तो दूसरी गोली लोड करके हमारे पीछे भाग लिया, उतर के भाग लिए, फिर बटवट मारी सिर में, दूसरी गोली चलाई, हाथ में गोली कटी। कौन लोग थे? अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को